बॉलीवुड के लव बर्ड्स जैकी भगनानी और रकुल प्रीत 21 फरवरी 2024 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबर है कि दोनों घरों में प्री वेडिंग फंक्शंस भी शुरू हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी गोवा के एक शानदार होटल में होगी। ये एक लग्जूरियस होटल है जिसमें एक रात ठहरने का किराया बहुत ही ज़्यादा है। ये कपल गोवा के इसी लग्जूरियस होटल में अपनी शादी की सभी फंक्शंस करेंगे जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि रकुल और जैकी की शादी गोवा के आईटीसी होटल में होने वाली है। साउथ गोवा में लोकेटेड लग्जीरियस आईटीसी होटल एक खूबसूरत रिजॉर्ट है। आईटीसी की वेबसाइट के मुताबिक ये होटल 45 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है जिसमें 246 कमरे हैं। आईटीसी ग्रैंड होटल में एक रात ठहरने का खर्चा 75,000 रुपए प्लस टैक्स आता है। वहीं इतना ही नहीं, गोवा के इस लग्जूरियस होटल के अंदर स्विमिंग पूल, बार, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और कई सारे लग्जरी कमरे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस होटल में इंडिया और दूसरे देश से गोवा घूमने आए काफी अमीर लोग ही ठहरते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इस होटल से जुड़ी तमाम फैसिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। वहीं एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की ग्रैंड वेडिंग के लिए आईटीसी होटल में लगभग 35 कमरे बुक किए गए हैं। इस होटल में उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स ठहरने वाले हैं। खबर है कि रकुल जैकी की शादी में इको फ्रेंडली चीजों को ही इम्पोर्टेंस दी गई है। इस शादी में सभी गेस्ट को ऑनलाइन इनविटेशन भेजा गया है। इसके अलावा शादी में कोई पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और ना ही ऐसी कोई चीज होगी जिससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैले। वहीं एज पर द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट, रकुल और जैकी एक बहुत ही इंटीमेट वेडिंग फंक्शन होस्ट करेंगे जिसमें करीबी लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेसी के लिए ये कपल अपने वेडिंग फंक्शन के दौरान मोबाइल के यूज पर भी बैन लगा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही ऐसी ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।